यहाँ भी बॉटनिकल गार्डन में भी हमको कलेक्शन ही करना है, बट अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप. फॉर एग्जाम्पल हमको अलग अलग एरिया से कलेक्शन करना है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीसीज का, बट अकॉर्डिंग टू देयर शेप. मीन्स के सम प्लांट्स ऐसे होंगे जो हर्ब फॉर्म में होंगे, सम श्रब फॉर्म में होंगे, सम प्लांट्स ट्री फॉर्म में होंगे. वो डिफरेंट डिफरेंट मैनर में उसको साइंटिफिक मैनर में कंपल्सरी मतलब कंप्लीटली उसको अरेंज करना है एक बॉटनिकल गार्डन, राइट. दूसरा बॉटनिकल गार्डन जो हमारा नॉर्मल जो रेस्टिंग गार्डन होता है, नॉर्मल जो गार्डन होता है हमारे सिटी में, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ बॉटनिकल गार्डन में मोस्टली थ्री टाइप की जो प्लांट स्पीसीज होती है वो होती है. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट वाली, देन जो जड़ी बूटी लाइक मीन्स के जो मेडिसिन में यूज हो वैसी प्लांट होते हैं, और तीसरे की जो नियर फ्यूचर में हमको न मिलने वाली जो प्लांट स्पीसीज होती है वो यहाँ हम स्टोर करते हैं, कलेक्ट करके, राइट. और वो स्टोर करने की एक अलग से मेथड जो हमने हर्बेरियम में पढ़ी थी, राइट, उस मेथड से आपको अच्छे से स्टोर करना है. दूसरा कि आप अपने हिसाब से एक ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं कि अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग एरिया में से हम कोई प्लांट लाए और उसका एक हाउस बनाए और उसको ऐसी आर्टिफिशियल एनवायरमेंट प्रोवाइड करें जो उनको जो जो नेचुरल एनवायरमेंट में वो रहते थे और प्लांट जो ग्रो होते थे वैसा एनवायरमेंट यहाँ हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करें और वैसे हाउस हम बना सकते हैं बॉटनिकल गार्डन में. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाउस, कैक्टस हाउस, ऑर्किडियम, फर्नरी, वो सब जो हाउस होते हैं वो आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं एनवायरनमेंट और वो प्लांट ग्रो करते रहे. तो बॉटनिकल गार्डन में क्या आपको याद रखना है कि कलेक्शन फॉर्म डिफरेंट एरिया, डिफरेंट डिफरेंट एरिया इन फॉर्म ऑफ श्रब श्रब श्रूप एंड हर्ब्स ट्रीज, राइट, इन साइंटिफिक मैनर एंड अरेंज देम इन साइंटिफिक मैनर, राइट. तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है बॉटनिकल गार्डन की, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट बॉटनिकल गार्डन आपको दिखाई देने मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा बॉटनिकल गार्डन है, राइट. हम यहाँ गुजरात की बात करें तो फेमस बॉटनिकल गार्डन है MS यूनिवर्सिटी में, राइट. आप कभी भी उसकी विजिट कर सकते हो एज ए स्टडी टूर. देन क्यू गार्डन दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंग्लैंड, राइट. ये इंटरनेशनल गार्डन हो गया जिसके आउट ऑफ इंडिया है, राइट. बट इंडिया के अंदर इंडियन बॉटनिकल गार्डन है जो हावड़ा में आया है. देन NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में आया है वो भी इंडिया में है. तो इंडिया में दो बॉटनिकल गार्डन है, राइट. आई होप कि बॉटनिकल गार्डन में आपको समझ में आया होगा. सेम हर्बेरियम जैसा ही है बट हर्बेरियम में कोई भी टाइप के प्लांट हम कलेक्ट करके स्टोर करते हैं, बट बॉटनिकल गार्डन में ओनली थ्री टाइप के प्लांट ही हम ग्रो करेंगे, थ्री साइज के श्रब हर्ब्स एंड ट्री, राइट, और वो भी साइंटिफिक मैनर में. और दूसरा द वेराइटी ऑफ प्लांट थ्री टाइप की होगी, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट यूज एज ए मेडिसिनल प्लांट एंड लास्ट वन इज जो इन नियर फ्यूचर आपको मिलने वाला नहीं हो, जो इन नियर फ्यूचर एग्जिस्ट हो जाने वाले प्लांट स्पीसीज हो वो हम यहाँ बॉटनिकल गार्डन में स्टोर करेंगे, राइट. देन म्यूजियम, व्हाट इज म्यूजियम. ये जो म्यूजियम होते हैं वो स्कूल कॉलेजेस के जो म्यूजियम होते हैं उससे यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में अच्छी स्पीसीज अच्छी वेराइटी हमको देखने की मिलती है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक स्कूल कॉलेजेस होती है उसमें म्यूजियम अच्छे से सेटअप किए हुए होते हैं, और म्यूजियम में स्पेशली कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. म्यूजियम में क्या क्या कलेक्शन किया हुआ होता है, प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फॉर स्टडी, और कभी कभी एज ए रेफरेंस भी हम म्यूजियम में ये प्लांट और स्पीसीज यूज करते हैं, राइट. दूसरा कि म्यूजियम में बहुत सारे एनिमल और प्लांट स्पीसीज जो होते हैं वो बड़े जो कंटेनर होते हैं उसमें जार्स में या फिर प्रिजर्व विद प्रिजर्व सॉल्यूशन जो होता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मेलिन और मीडियम से फॉर्मल्डिहाइड, वो जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कोई भी प्लांट स्पीसीज या एनिमल
उसको हील करो क्लोरोफॉर्म से, देन पिनिंग। अलग से एक बॉक्स लो, जैसे ज्वेलरी बॉक्स होता है वैसे एक बॉक्स लो, उसमें कलेक्ट करो सभी इंसेक्ट को, फिर वो बॉक्स के अंदर उसको हील करो, उसको उसके बाद उसको पिनिंग करो, जिसके जो टाकनी होती ना उसको पिन, वो पिन उसके ऊपर बॉडी के ऊपर आप लगाओ तो उसको बोलेंगे पिनिंग, राइट। तो ये थ्री मेथड से हम इंसेक्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स और ममल जैसे जो बिग एनिमल स्पीसीज होते हैं, वो कौन सी मेथड से आपको स्टोर करना होता है, दैट इज स्टफिंग मेथड। स्टफिंग मेथड मींस व्हाट, जैसे मम्मी सब्जी स्टफिंग सब्जी बनाती है, वैसे ही कि ये जो बर्ड्स और ममल्स, बर्ड्स में फॉर एग्जांपल पैरट और मोस्टली क्रो का जो एग्जांपल होता है वो हम ले सकते हैं कि उसके जो फिजियोलॉजिकल ऑर्गन है, मींस के जो उसके ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन को आप निकाल दो, मींस के उसको पूरे ऑर्गन को निकाल के अंदर का पोर्शन निकाल के उसके अंदर कॉटन, फिर जो प्लांट का जो ड्राई वेस्ट होता है, राइट, उसको उसके अंदर डालो और उसके साथ प्रिजर्वेटिव भी आप डालो, जिससे वो लॉन्ग टाइम के दरमियान स्टोर हो सकता है, राइट। आपको याद दिया है कि लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड ममल्स आर यूजुअली स्टॉक एंड प्रिजर्व, बट आपको डिटेल में ये प्रोसेस नहीं बोला है, तो आपको याद रखना है कि उसके अंदर के जो ऑर्गन होते हैं वो बाहर निकालने होते हैं और उसके बाद उसके अंदर कॉटन, फिर प्लांट का जो ड्राई स्टिक और जो ड्राई मटेरियल होता है प्लांट का वो आपको उसके अंदर डालना है और उसी के साथ फॉर्मल्डिहाइड या फिर फॉर्मेलिन डाल सकते हो और उसको क्लोज कर दो और उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो, राइट। दूसरा कि कभी कभी म्यूजियम में क्या होता है कि एनिमल का स्केलेटन भी स्टोर किया हुआ होता है, फॉर एग्जांपल बड़ौदा के सयाजी बाग में जो म्यूजियम है उसमें आप देखो तो एलिफेंट जो होता है उसके सभी जो टीथ से लेके सभी पोर्शन का वहाँ कलेक्शन किया हुआ है, राइट। तो आप वो भी देख सकते हो। एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट यू हैव टू मीन्स की यू शुड विजिट द म्यूजियम ऑफ सयाजी बाग, राइट। तो ये हो गया म्यूजियम, देन उसके बाद आएगा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि आप जू आपने विजिट की होगी, राइट, जू की। तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एक ह्यूमन बीइंग होता है जिसके एक आदमी होता है और वो पूरे जू की देखभाल करता है। आपने सयाजी बाग के जू की विजिट की होगी, राइट, बड़ौदा में। तो जूलॉजिकल पार्क के अंदर एक आदमी होता है या फिर राइट, और उसके साथ बहुत सारे एनिमल बर्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर से लाए गए हुए एनिमल होते हैं, उसको मींस की एक पिंजरे में बंद किया जाता है और उसको जो आर्टिफिशियली जो एनवायरनमेंट होते हैं, जो उनकी फैसिलिटी होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं, फूड देते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, प्रॉपर प्लेस देते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं, राइट, ये सब फैसिलिटी उस एनिमल को हम प्रोवाइड करते हैं कौन से एरिया में, जूलॉजिकल पार्क में। और बच्चों को ये जूलॉजिकल पार्क बहुत अच्छे लगते हैं, आपको पता ही है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल देखने को मिलते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं, राइट। किसी के साथ जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है कि पर्टिकुलर एलिफेंट हो तो एलिफेंट का एरिया अलग, लायन हो तो लायन का एरिया अलग, राइट, मंकी हो, राइट, उसका एरिया अलग, स्नेक्स का एरिया अलग, राइट, वो सबके अलग अलग एरिया में उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ वेटरनरी डॉक्टर भी वहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि कोई रीजन ऐसा हो कि कोई एनिमल को या बर्ड को कोई हार्म हुई या फिर कोई इंजरी हुई तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर होना जरूरी है, तो वहाँ वेटरनरी डॉक्टर भी होता है। ये सब आपको जूलॉजिकल पार्क भी आपके बुक में नहीं दिया है बट थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, राइट। और लास्ट टॉपिक दैट इज की, व्हाट इज की, की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड्स व्हिच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। हमने जब टैक्सन में कैटेगरी पढ़ा तब आपने पढ़ा था सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी क्या है, राइट। तो ई क्या है, ए वन टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स व्हिच यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल
कंपेयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। देन यहाँ लिखा है अनदर टैक्सोनॉमिकल एड्स, राइट, वो सब आपको बुक में दिया ही है कि किसका क्या मतलब है। इवन कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, मींस के वो एनालाइज कर सकते हैं अलग अलग प्लांट स्पीसीज को और एनिमल स्पीसीज को, राइट। दूसरा क्या दिया है कि ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड एंड सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ऐसे टैक्सोनॉमिक की आप क्या यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर कोई भी स्पेसिफिक क्या फैमिली नेम ऑर्डर नेम, राइट, वो सब आप यूज करके की ऐसे की आप यूज कर सकते हो और कोई भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, राइट। देन अनदर की क्या है, फ्लोरा, राइट, दैट इज द ग्रुप ऑफ प्लांट और स्पेसिमिन ऑफ प्लांट्स मैनुअल्स मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। कौन कौन सा यूज है, तो फ्लोरा दैट इज हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। मींस व्हाट कि फ्लोरा क्या मेंशन करता है, क्या शो करता है कि अलग अलग जो प्लांट स्पीसीज होते हैं वो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, राइट, उनका हैबिटेट अलग अलग होता है, उनका लोकेशन अलग अलग होता है, वो हमको बताता है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है और उसके हिसाब से प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। देन मैनुअल क्या इंफॉर्मेशन देता है, मैनुअल गिव इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया, कि पर्टिकुलर एरिया में कौन सी प्लांट स्पीसीज लोकेट हुई है रहती है और रह पाती है, उसकी इंफॉर्मेशन मैनुअल्स देते हैं, राइट। बहुत सारे मैनुअल्स के नेम आपको जैसे 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 आप कॉलेज में पढ़ोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। देन मोनोग्राफ्स, मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन, टैक्सोन के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा था कि पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से आप पर्टिकुलर स्पेसिमिन को पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्सोन। तो वो टैक्सोन की इंफॉर्मेशन देता है कौन, मोनोग्राफ। देन कैटलॉग, कैटलॉग हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जैसे आप कोई कैटलॉग हो उसके हिसाब से आप अपना हाउस सिलेक्ट करते हो या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करते हो या फिर आप कपड़े खरीदने जाओ तो वहाँ कपड़े का भी कैटलॉग होता है, राइट, उस हिसाब उसकी डिजाइन के हिसाब से आप दूसरे कलर के कलर चूज करते हो, राइट। तो दैट इज कॉल्ड कैटलॉग हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए कैटलॉग बहुत यूज होता है, राइट। तो ये हो गई की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा म्यूजियम और वर्टिकल गार्डन भी इम्पोर्टेंट। म्यूजियम में क्या पूछा जाता है कि स्टफिंग क्या है, बड़े एनिमल्स होते हैं वो कैसे स्टोर किए जाते हैं, राइट, लॉन्ग टाइम तक। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हम पढ़ेंगे। आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इफ एनी डाउट देन आस्क मी योर डाउट व्हेन यू कम फॉर चेकिंग, राइट। थैंक यू।